Sir, next is Sri Digvijay Singh, and you have two speakers. That is, Jairam Ramesh is also there. You have only 5 minutes. Sir, both for both, only 5 minutes. You try to adjust. धन्यवाद माननीय सभापति जी. ये तो सर्वविदित है, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है और केंद्र सरकार के पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है. इसके लिए कौन जवाबदार है? इसके लिए अगर कोई जवाबदार है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाबदार हैं, जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे एक्शन पहले लेते हैं, निर्णय पहले लेते हैं, सोचते बाद में. नोटबंदी में निर्णय ले लिया, तत्कालीन वित्त मंत्री जी को मालूम था नहीं मालूम था नहीं कह सकते, लेकिन 50 दिन में 55 अलग अलग निर्देश निकले. इसका मतलब ये था कि बिना सोचे समझे उन्होंने निर्णय ले लिया. 87% करेंसी को मार्केट से बाहर निकाल लिया, नए नोट नहीं छपे. दूसरा, जीएसटी में निर्णय ले लिया, वही मुख्यमंत्री के रूप में उसका विरोध करते थे, लेकिन यश पाने के लिए उन्होंने निर्णय ले लिया. किसी भी देश में मल्टीपल स्लैब जीएसटी सफल नहीं हुआ है, और यहां पर निर्णय लेने के बाद भी हर 3 महीने 6 महीने में रेट बदले जा रहे हैं. माननीय सभापति महोदय, जीएसटी का जहां तक सवाल है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज हालात ये है कि कश्मीर में इंटरनेट नहीं है. वहां के कश्मीर के व्यापारियों को इंटरनेट के बिना वो अपना ऑनलाइन रिटर्न कैसे भरेंगे, उसके लिए कौन जवाबदार है? इसी के साथ साथ, जैसा कि डायरेक्ट भाई ने बताया, 5 मुख्यमंत्रियों ने तो जॉइंट चिट्ठी लिखी है, राज्यों का आप उनका जो हिस्सा है वो नहीं दे पा रही हैं. अन्य प्रांतों के मुख्यमंत्रियों की भी हालत यही है. आखिर ये सब क्यों है? क्योंकि इसके बारे में जिस प्रकार से आपने जीएसटी को फॉर्मुलेट किया है, उससे आपके रेवेन्यू में कमी आई है. मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कहीं, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बात यही है, जवाबदार मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी की का नेतृत्व और इनकी नीतियां, ये पूर्ण रूप से सूट बूट की सरकार के पक्ष में हैं. जहां तक मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मॉडर्न इंडिया दी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो उन्होंने बनाए थे, देवर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. अब उसके बाद एक एक करके उनको रोका जा रहा है, बेचा जा रहा है. टू मिनट्स इज देयर. सर, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, आई हैव गॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू से. सर, आई वॉन्ट टू रेज द इशू दैट द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर बींग सोल्ड आउट. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. The Life Insurance Corporation, it 2014, it had 33 policy holders. In 5 years, they have come down to 29 crore policy holders. LIC agents, 2014, there were 13 lakh LIC agents. It has come down to 11 lakh agents. Bonus, in endowment policy holders were getting a bonus of 78 rupees per thousand. It has been brought down to 51 rupees a thousand. Life policy holders, they were getting a bonus of 102 per thousand. It has come down to 72 rupees per thousand. Interest on policy loan has gone up by 1.5%, from 9% to 10.5%. And on the delayed payment of premium, they are charging GST also. Sir, they are taking away the reserves from the LIC, from the Reserve Bank. From LIC, 11 lakh crore money is being diverted. They have given 15,000 crores to railways with a moratorium of 5 years. Who are the losers? The policy holders. At the same time, they force the
IRDA to exempt investment in a 23% NPA bank IDBI by buying, forcing them to buy 1% of the equity. And what has happened, sir? The share has come down from 74 rupees to 34 rupees. Who are the losers? The policy holders. Sir, I want to say again, 25,000 crores have been given to the real estate. Sir, they are dipping into the reserves of the LIC, which is the savings of the crores of policy holders. So what I want to say is that they have taken away the money from the RBI also. Now, what I want to say, sir, is that the point I want to make is that purchasing power has to be given in the hands of the common man. If the purchasing power has to be given, what Mr. our Nobel Prize winner, Abhijit Banerjee, had suggested a basic universal income for every family in this country. If you give that family 6,000 rupees a month, it gives them purchasing power and that will drive the economy. So what I want to say is, although I had a lot of other things to say, but now I would like to conclude that main ye kehna chahta hu manni mantri ji se is baat ko ki aap pure desh ki arthvyavastha bigadne mein इस बारे में सोचिए कि क्यों आप जो इस हमारी जो मूल आधार रहा इस देश का पब्लिक सेक्टर का रहा है उसको आपने धीरे धीरे कम करते चले गए हैं और आपने कोई भी आप बैंक देख लीजिए पीएसबी देख लीजिए और ये भी एक अजीब बात है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हालत बिगड़ती जा रही है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के आपकी उनकी रिजर्व बढ़ते चले जा रहे हैं. मैं अंत में इतना ही आपसे कहूँगा कि आज यदि आपको समय भी है, आप यदि माननीय वित्त मंत्री जी, ये बात तो सही है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैज डेवलप्ड द एक्सपर्टीज ऑफ फिक्सिंग द पीपल, ही डजंट हैव द एक्सपर्टीज टू फिक्स द इकोनॉमी. लेट हिम टेक द एडवाइस ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह. थैंक यू. थैंक यू.